भाजपा सरकार में कई मंत्री और सांसद हैरान करने वाला बयान देते रहते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी आरएसएस के एक बड़े अधिकारी ने सबको चौंका देने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर सभी सोच में पड़ गए हैं। हम बात करने जा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भागवत ने घोषणा की, हम सब कुछ बदल सकते हैं, सभी विचारधाराएं बदली जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदली जा सकती, वह यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने हनुमान, शिवाजी और आरएसएस के संस्थापक केशव बलराम हेडगवार के नाम एक सांस में लिए। हिंदू राष्ट्र के दावे के बावजूद जब संस्था के प्रमुख समलैंगिकता पर बात करते हैं तो लगता है कि आरएसएस अपनी गंभीर छवि बदलने में लगा हुआ है। भागवत ने कहा कि इस मुद्दे को चर्चा के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, महाभारत प्राचीन सेनाओं में उदाहरण रहे हैं, वेदों में नहीं। यह पहला मौका नहीं है जब भागवत ने समलैंगिकता पर संघ के रुख में बदलाव कर संकेत दिए हैं। उन्होंने 2018 में 3 दिवसीय महाआयोजन भारत का भविष्य आरएसएस का दृष्टिकोण के दौरान कहा था कि समलैंगिक एक और समाज का समय के साथ बदलने की जरूरत है। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस द्वारा किसी बात पर चलने की बात से साफ इनकार करते हुए इसके प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को दावा किया कि संगठन में एक ही विचारधारा सतत रूप से चलती आई है कि जो भारत भूमि की भक्ति करता है वह हिंदू है। संघ द्वारा मात्र हिंदुओं की बात करने के दावों की ओर परोक्ष करते हुए उन्होंने कहा, हमने हिंदू नहीं बनाए, ये हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, देश काल परिस्थिति के साथ चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाले और उससे प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति अगर जीवित है तब तक हिंदू जीवित हैं। भागवत ने कहा कि भाषा, पंथ, प्रांत पहले से ही हैं, अगर बाहर से कोई आए तब भी कोई बात नहीं है, हमने बाहर से आए लोगों को भी अपनाया है, हम सभी लोग को अपना ही मानते हैं। भारत देश सभी जाति धर्मों से मिलकर बना है, इसलिए आरएसएस प्रमुख द्वारा ऐसी सोच रखना थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।